सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन के अंदर आज हम हार्डी वेनबिम प्रिंसिपल, हार्डी वेनबिम प्रिंसिपल थ्योरम या बात करते, इसे लाभ भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्डी वेनबिम थ्योरम कर लेते हैं, थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वो फैक्टर स्टडी करेंगे जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, मतलब जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज को जो चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग लग रहे थे, दो साइंटिस्ट थे, हार्डी और वेनबर्ग, ठीक है। इन्होंने 1908 के अंदर, 1908 के अंदर, मतलब जिस जिन दिनों मेंडल्स का काम जो था वो रीडिस्कवर हुआ था, ठीक है, उसी के मतलब उसी पर स्टडी करते हुए उन्होंने जेनेटिक शफलिंग के ऊपर एक लॉ बनाया था। जेनेटिक शफलिंग या जेनेटिक वेरिएशन कर लें, बेसिकली इनका कहना था कि जो जेनेटिक वेरिएशन है इट इज कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगी किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, सही। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कह रहे हैं कि मियोसिस होती है, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिकम्बिनेशन जो सी है, जो कि कब होती है, मियोसिस के दौरान, रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करती, डू नॉट अफेक्ट अफेक्ट द ओवरऑल, ठीक है। ये मतलब जो ओवरऑल जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं, जो जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर अफेक्ट नहीं करेगी, ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। डू नॉट अफेक्ट द जेनेटिक स्ट्रक्चर, कह रहे जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी, सही। मतलब उनके आपस में, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है, सही। सो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स हैं, तो फोल्डर्स में डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स उठा के एक जगह दूसरे का रखते हैं, ओवरऑल फोल्डर के अंदर जो टोटल साइज है या कह लेंगे जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं होगा। अंदर बेशक शफलिंग होते रहे, लेकिन टोटल जो फ्रिक्वेंसी है या कह लेंगे जो आपका मटेरियल वो चेंज नहीं होगा, सही। और इसी को हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, फार्मूला या फिर लॉ कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है दो किस्म के, तीन किस्म के फ्लावर, एक CR, ठीक है, एक CR CW, एक CW CW, ठीक है। ये रेड फ्लावर को शो कर रहा है होमोजाइगस कंडीशन में, रेड फ्लावर, ये भी रेड फ्लावर है लेकिन हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर, और ये होमोजाइगस वाइट फ्लावर है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रेड फ्लावर के थे वो हैं तकरीबन 640, 640, सही। और जो हमारे पास रेड फ्लावर हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैं 320, ठीक है। और जो हमारे पास है वाइट फ्लावर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है, ये सिर्फ हमारे पास 40 है, सही। मतलब 640 है हमारे पास रेड, 320 रेड लेकिन हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर, और जो 40 है वो हमारे पास होमोजाइगस वाइट फ्लावर्स हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें, ठीक है, सो ओवरऑल ये 64% बनेगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास कितना बनेगा, 32%, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 4% बनेगा, सही।
अच्छा इसमें 64% का 64% जो है वो ए होगा, ठीक है, यानी ऑल आर ए, ठीक है, सारे के सारे कैपिटल ए होंगे। लेकिन जो रेड फ्लावर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, इसके अंदर 16% जो है कैपिटल ए होगा और 16% जो है वो स्मॉल ए होगा, ठीक, जबकि इसके अंदर 4% सारे के सारे स्मॉल ए, स्मॉल, सॉरी यार मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ बोला, आपको समझ आ रही है? अगर इधर आएगा ऑल आर आर, ठीक, कैपिटल आर है, जबकि इसके अंदर जो है 32 में से 16% कैपिटल आर है, 16% स्मॉल आर है, उसके बाद फिर अगेन गलती करो, 16% डब्ल्यू है, ठीक, इसके अंदर 4% सारे के सारे डब्ल्यू है, ठीक। सो अगर हम टोटल परसेंटेज देखें, टोटल परसेंटेज ऑफ आर कितनी आ जाएगी, 64 प्लस 16 80%, ठीक है। टोटल परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4% 20%, सही। सो इस तरह उसने फाइंड किया, 64% सी आर, 16% सी आर, टोटल ये आ जाएगा, टोटल ये आ जाएगा, सही। तो जो नेक्स्ट रिकम्बिनेशन आएगी हमारे पास, वो फाइंड करने के लिए हम इसका ऊपर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, कौन सा फार्मूला है, इसे कहते हैं पी स्केयर प्लस, सॉरी इसे आप बल्कि इस तरह कर लें, पी प्लस क्यू का होल स्केयर, ठीक है। ये जो आर है ना, बेसिकली ये आपके पास पी है और ये जो है ये क्यू है, ठीक, कि मतलब पी जो है होमोजाइगस कंडीशन और क्यू जो है होमोजाइगस कंडीशन, दोनों मतलब एक आर अलील को शो कर रहा है, पी जो है एक जो है डब्ल्यू अलील को शो कर रहा है, सही। सो जो नेक्स्ट इसकी कॉम्बिनेशन आएगी वो हम फाइंड करें, तो अगर पी प्लस क्यू का स्केयर है मतलब ये क्या होगा, ए टी का स्केयर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 20 प्लस 20 का स्केयर, सही। सो मतलब पी प्लस क्यू का स्केयर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 8 8 64 100, 6400 प्लस, यानी ये हमारे पास आर आर होगा, दिस वन बी आर आर, और ए टू जेड 16 एंड 32, 320 हमारे पास होंगे, कौन से वाला, यानी जो 3200 आएंगे हमारे पास, 3200 वो आएंगे हमारे पास कैपिटल आर और डब्ल्यू के, सही, और 400 जो है हमारे पास आएंगे किसके, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, सही। सो मतलब ये नेक्स्ट रिकम्बिनेशन शो करेगा, अगर हम क्रॉस करेंगे किस किस को, सी आर सी डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, 80% 80%, इसे आप पूर्ण स्केल में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सी आर हमारे पास कितना था, 80% था, ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया, सी डब्ल्यू कितना था हमारे पास, 20% था, सिमिलरली यहाँ पे सी आर 80% 20% मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 मतलब ये 64% बनेगा, ठीक है, और ये 16% बनेगा, सिमिलरली ये 16, दोनों को ऐड अप करेंगे हम तो 32% बन जाएगा, और ये 4% लास्ट में, जैसे आप 400 कह सकते हो, सही। बेसिकली 64% अगर हम परसेंटेज देखें ना, तो परसेंटेज ऑफ आर आर जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 64% आएगी, ठीक है, और हमारे पास जो परसेंटेज जो आएगी डब्ल्यू की, सी सॉरी आर एंड डब्ल्यू, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 32% आ जाएगी, ठीक है। इस तरह परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू हमारे पास सिर्फ कितने परसेंट आएगी, 4% आएगी, सही। मतलब ये दोनों मेथड्स हैं आप सॉल्व करने के, डायरेक्ट इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर पुनेट स्केयर बना सकते हैं, ठीक है। सो मतलब अगर हम देखें तो हमने ये नेक्स्ट जनरेशन की जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है वो फाइंड कर लिया, अगर अगर कोई मतलब जीन फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब कोई म्यूटेशंस बीच में नहीं होती, कोई माइग्रेशन नहीं होती, ठीक है, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है, सो जो आगे हमारे पास रिकम्बिनेशंस आएंगी वो मतलब कांस्टेंट होंगी, ठीक है, और ओवरऑल जीन्स चेंज नहीं होंगे, मतलब जो जेनेटिक कह लें कि पूल है या फिर जो
कहने के उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है सारा पॉपुलेशन का वो चेंज नहीं होगा। सही। और क्योंकि इसमें ये पी प्लस के होगा होल स्केल लग रहा है, ठीक है, इसे आप सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कह सकते हो, ठीक है, इट इज बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी मतलब बाइनोमियल ये जो इक्वेशन होती है इसे बाइनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, पी और क्यू, और एक्सपेंशन इसलिए कह रहे हैं कि ये पावर्स में है, मतलब एक्सपेंड हो रही है। सही। सो ये हो गया हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल। और इसमें ना पी प्लस क्यू जो सर वो बात का आप 100 के करीब भी लेते हो, ठीक है, इट शुड बी 100, अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 100 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन सबको प्लस करें ना 80 प्लस 20 करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 100। सो इट मीन्स दैट पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 100, ठीक है। और अगर सिंपल आप रेशियोज में बात करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, अगर हम इसे 0.8 कंसिडर करें, इसको 0.2 कंसिडर करें, फिर प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1, फिर हम इसका स्केल लेते हैं। सही। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जीन फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें एक म्यूटेशंस हैं, लिखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट वन इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का आपको भी पता होगा, कोई भी जीन्स में जो चेंज आ जाती है, ठीक है, कि मतलब कहीं कहीं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर या डीएनए के अंदर कोई पीस आगे पीछे हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या फिर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है आके, सही। तो बहुत सी म्यूटेशंस की टाइप्स हैं, और उससे क्या होगा कि मतलब जीन फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। म्यूटेशन से क्या बताता है कि चेंज इन जेनेटिक, सॉरी, जेनेटिक कोड, ठीक है, कोड के अंदर चेंजेस आ रही है उससे म्यूटेशन, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। फिर दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन जिस तरह कह लें कि कुछ इलाकों से या कुछ दूसरे मतलब एरिया से, मतलब जिनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, वो उठ के किसी और एरिया में आए, ठीक है, ट्रैवल करके किसी और एरिया में आए, सफ़र करके किसी और जगह आए, तो फिर जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। सही। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे दूँ, फॉर एग्जांपल अब जो ब्लू आइज का जीन होता है, ठीक है, जिनकी नीली आंखें होती हैं, ये बेसिकली रशियन था, लेकिन जब रशियन एक्सपेंड हुआ और वो मुख्तलिफ एशियन कंट्रीज में आए, तो ब्लू आइज का जो जीन है वो फिर एशियन कंट्रीज में भी ट्रैवल होना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब एशियन कंट्रीज में भी, जो फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान है या ताजिकिस्तान, इन रियासतों में आपको ब्लू आइज के जीन्स मिलेंगे। सही। सो माइग्रेशन से काफी मतलब जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। इसके बाद थर्ड वन है जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट थोड़ा सा चेंज है माइग्रेशन से। माइग्रेशन में तो ये होता है कि जो जीन्स हैं दे ट्रैवल, ठीक है, कि बेसिकली वो ट्रैवल कर रहे होते हैं विद डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, कि एक जियोग्राफिकल लोकेशन, एक जियोग्राफी मतलब एक पार्ट से अर्थ के उठ के किसी और पार्ट में चले जाते हैं, तो वो जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे, एक वो जिनका मतलब कह लें कि ब्लू कलर के विंग्स थे, एक वो जो ब्राउन कलर के थे, ठीक। सो ब्राउन कलर की किसी वजह से डेथ हो जाती है, समहाउ दे आर इन्फेक्टेड, यानी उनको कोई डिजीज हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं, तो पीछे सिर्फ जो ऑर्गेनिजम्स बचेंगे वो नीले पर वाले होंगे, ठीक है, मतलब नीले पर वाली तितलियां बच जाएंगी। इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। सही। अब इसके अंदर जो ये जो पार्टिकुलर ट्रेट था, मतलब खास किस्म का जो इसके अंदर खसूसियत थी कि जो ब्राउन रंग की तितलियां थी वो किस तरीके से डेड होगी,
सो उसके बाद जो उनका ट्रेड था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। सो मतलब ये बाय चांस होता है, मतलब ये हर दफ़ा नहीं होता, बाय चांस होता है। सो किसी भी वजह से, ड्यू टू सम नेचुरल रीज़न कह लें, या फिर वो आगे मतलब ब्रीड नहीं कर पाते, कोई नेचुरल काज है, कोई डिजीज हो जाती है किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, लॉस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेड, ठीक है, कि कोई ना कोई पार्टिकुलर ट्रेड से क्या बनाता है कि लाइक कोई खास किस्म की खसूसियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। सही, जिस तरह एग्जाम्पल में आपके पास ब्राउन बटरफ्लाइज है, ठीक है, कि जो ब्राउन बटरफ्लाइज है वो फेल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस होने से मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाए, ठीक है, कोई ना नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई भी रीज़न आती है, तो इसके से जो पॉपुलेशन है उसके अंदर सिर्फ नीले रंग वाली तितलियाँ आपको नजर आएंगी, सो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे आप। इसके बाद है नॉन रेंडम मेटिंग, फोर्थ फॉर्म, नॉन रेंडम मेटिंग के मतलब फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन थे जिसके अंदर तीन किस्म के जीन्स थे, ठीक है, एक ब्राउन, एक लाइट ब्राउन, एक येलो, ठीक है। सो अगर मेटिंग सिर्फ ब्राउन ब्राउन के दरमियान होगी तो हमारे पास जो मतलब आगे इंडिविजुअल आएंगे वो भी ब्राउन आएंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर मतलब वेरिएशन उसे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, कि जो ब्राउन रंग की है इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और इनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, इन दोनों की। सही, सो अगेन अगर मेटिंग जो सा वो बायसिंग हो, बायसिंग से बना देनी, जिस तरह ब्राउन ब्राउन आपस में इंसेक्ट्स जो मेटिंग करते हैं, ठीक है, बकैर से मेटिंग नहीं होती, जिससे आप कह सकते हो ना कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो, ठीक है, जिसे जिस तरह मेंडल ने कहा था कि जो गैमेट्स बनेंगे फिर उसके बाद इंडिपेंडेंटली असार्ट होंगे, अगर इंडिपेंडेंटली असार्टमेंट ना हो, खास गैमेट्स खास में जाके फर्टिलाइज हो, तो उसके बाद जो आपके पास रेशोज आएंगे वो डिस्टर्ब आ जाएंगे। सही, सो फॉर एग्जांपल अगर अगर हम इसे इस तरह कहें ना कि इसके पास जो जीन है वो सी ब्राउन ब्राउन है, ठीक है, इसके पास जो जीन है सी ब्राउन येलो है, इसके पास जो जीन है सी ब्राउन और स्मॉल भी है, ठीक, और ये भी सी डबल बी, सी डबल बी, सी डबल बी, सी डबल बी, सही। सो अगर सी बी बी और सी बी बी की आपस में मीटिंग होती रहेगी तो जो सी कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी कम हो जाएगा, और सी कैपिटल बी वाई जो है ये भी कम होना शुरू हो जाएगी। सही, सो इसका क्या मतलब है कि जी के जो नॉन रेंडम मेटिंग है इसकी वजह से जो हेटरोजाइगस है वो लेसन हो गए, मतलब कम हो गए, लेसन द हेटरोजाइगोट इंडिविजुअल्स कह लें, कि जो इंडिविजुअल्स जो हेटरोजाइगस थे उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। जाहिर बात है क्योंकि वो मेटिंग जो सी है वो नॉन रेंडम है, मतलब कुछ फेवरेबल मतलब जो आपस में मैचिंग है वो आपस में मेट कर रहे हैं, उसमें से जो सी बी बी की रेशो होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, कैपिटल बी स्मॉल बी की कैपिटल बी वाई की रेशो कम होना शुरू हो जाएगी। सही, इसे नॉन रेंडम मेटिंग कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में दो टाइप्स हैं, नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। सही, नेचर सिलेक्शन से मुराद ये है कि मतलब नेचर सेलेक्ट कर रही होती है, जैसे अगर हम जिराफे की एग्जांपल लें, जो जिराफे हैं जिनकी लॉन्ग नेक थी नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया, जिनकी शॉर्ट नेक थी वो सेलेक्ट नहीं हुए। सही, तो मतलब फिर जो शॉर्ट नेक वाला जीन्स था वो ऐसा था जिराफे की पॉपुलेशन से निकलता रहा, ठीक, ख़त्म हो गया। फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी है, लाइक आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्या मुराद है कि हमारे घरों में जितने भी पौधे होते हैं उनमें ज़्यादातर गुलाब होता है और उसके बाद फूलदार पौधे होते हैं, मतलब उसमें फूल लगते हैं, ठीक, जो कह लें कि घरों में कांटों वाले पौधे नहीं होंगे, ठीक है, घरों में कोई ऐसा पौधा नहीं होगा जो अच्छा नज़र ना आए। तो ऐसे ऐसा फिर क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर मतलब आपके पसंद की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सही, मतलब नेचर से मतलब विदाउट
इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, और ये विद इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन है। ह्यूमन बीइंग, सही, कि ह्यूमन बीइंग खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्पीशीज, कौन सा वो अच्छा, जो उन्हें अच्छा लगता है वो आप घर में ले आते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसको वो उसके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सही। और नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ना इन्वायरमेंट अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, मतलब इन नेचुरल सिलेक्शन इन्वायरमेंट प्ले हिज रोल। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर नो रोल ऑफ इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट कोई रोल नहीं होता, बस हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसके ऊपर मतलब उसको उठा के घर ले आएंगे, उसको उस तरह का इन्वायरमेंट देंगे जिसके अंदर वो ग्रो कर सके। सही। सो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो उसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर। सही। और इस तरह फिर जो जेनेटिक वेरिएशन है, कहने की जो जीन फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन की, वो डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि आप एक को अहमियत दे रहे हो और एक को आप अहमियत नहीं दे, सो फिर जिसको अहमियत दे रहे हैं उसकी जो जीन्स हैं वो ज़्यादा आपको इन्वायरमेंट नज़र आएंगे, जिसको अहमियत नहीं देगी या जो आपको अच्छा नहीं लगता उसके जीन्स रास्ते तक ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सही है। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा हार्डी मेंबर प्रिंसिपल के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक फ्रिक्वेंसी। अगले लेक्चर के नाम इंडेंजर्ड स्पीशी के बारे में बात करेंगे।